मैं अनीता राजौरिया, प्रवक्ता CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बीकानेर। आज का टॉपिक है पैकेट्स एंड ओपनिंग्स। ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट BST का टॉपिक है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि पैकेट्स और ओपनिंग किसे कहते हैं, उनकी पहचान किस तरह से की जाती है, और कुछ उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे और शेप्स के बारे में जानेंगे। गारमेंट का जो भाग हमें पहनने और उतारने के लिए परिधान में या गारमेंट में खुला रखा जाता है, उसे हम ओपनिंग कहते हैं। और उन ओपनिंग्स को फिनिश करने के लिए जब हम पट्टियों के का सहारा लेते हैं या पट्टियों के माध्यम से हम उसको जब फिनिश करते हैं तो उसे प्लैकेट्स कहते हैं। प्लैकेट्स एक पट्टी के फॉर्म में होती हैं जो हम ओपनिंग में स्टिच के द्वारा लगाते हैं और उनको फिनिश करते हैं। ओपनिंग के बारे में जाने लेते हैं सबसे पहले कि ओपनिंग गारमेंट्स में हमें किस तरह से दिखाई देती हैं। शर्ट्स वगैरह जो फुल आप जो फ्रंट से पहनते हैं उनको नेक पार्ट पे और उनका जो सेंटर फ्रंट है उनके देखिए कि पूरा सेंटर पार्ट आपको ओपन दिखाई दे रहा है, बटन्स दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये सेंटर ओपनिंग है। नेक्स्ट इस एग्जांपल में देखिए कि इसमें कुछ पार्ट प्लेकेट के फॉर्म में दिखाया जा रहा है तो इसे हाफ सेंटर ओपनिंग कहा जाएगा। ये कुर्ते वगैरह में दिखाई देती है, टॉप्स वगैरह में आपको दिखाई देती है। कुछ ऐसे होते हैं, अब ये जो सेंटर ओपनिंग है, अब हम इस ओपनिंग को थोड़ा साइड में भी किया जा सकता है। ये लेफ्ट साइड ओपनिंग दिखाई दे रही है, इसको लेफ्ट की जगह आप राइट भी कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। तो इसमें आपको लेफ्ट साइड ओपनिंग दिखाई दे रही है, इसको फुल ओपन भी किया जा सकता है अंगरखा स्टाइल के हिसाब से, इसको फुल ओपन भी किया जा सकता है। ये फुल लेफ्ट साइड ओपनिंग दिखाई दे रही है। कुछ बच्चों के गारमेंट्स होते हैं जिनमें हम शोल्डर में ओपनिंग रखते थे, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जैसे फ्रॉक्स वगैरह जिसमें बैक ओपनिंग रखी जाती है। कि ओपनिंग अपनी चॉइस को होती है और कुछ आवश्यकता के अनुसार होती है। जैसे बच्चों के गारमेंट्स में हमेशा फ्रंट ओपन रखे जाते हैं ताकि उनको बटन चुभे ना, या जो भी हम फास्टनर यूज़ कर रहे हैं वो उनके सोते समय उनको चुभे ना। ऐसे ही ये अभी अपने अपर गारमेंट्स के देखा है ओपनिंग, अब ये लोअर गारमेंट्स में भी पैंट वगैरह स्कर्ट्स वगैरह में ट्राउजर्स में दिखाई देती हैं हमको। अब इस ओपनिंग को करने के लिए हमें कुछ जब हम पैटर्न्स बनाते हैं तो कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जैसे ही हम पैटर्न को 1/4 साइज में बनाते हैं तो जो सेंटर लाइन होती है उसके अलावा हमें 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक ओवरलैपिंग पार्ट रखना पड़ता है जिस पे हम काज और बटन का इस्तेमाल करते हैं, या जो भी हम फास्टनर यूज़ करते हैं उसके मार्जिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ पार्ट जो हमारा 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होता है उसको हम टर्निंग या फेसिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टर्न हो जाता है और उस ओपनिंग को फिनिश करता है। ये तो एक तरीका हो गया कि हम कपड़े में से ही एक्स्ट्रा पार्ट लेकर उसको करते हैं। कई बार हम इस ओपनिंग को कुछ एक्स्ट्रा मार्ज फैब्रिक के द्वारा या कंट्रास्ट फैब्रिक के द्वारा भी फिनिश करते हैं जो फेसिंग के फॉर्म में या दिखाई देती है। ये सभी गारमेंट्स में हम पैकेट्स और ओपनिंग का यूज़ करते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन गारमेंट्स हों, चाहे लेडीज हों, चाहे जेंट्स हों। सारे टाइप्स जैसे कुर्ता, शर्ट्स, पैंट्स, ब्लाउज, कोट, जैकेट, गाउन, फ्रॉक, झबला आदि सभी में हमें ओपनिंग दिखाई देती है, क्योंकि ये ओपनिंग के माध्यम से ही हम गारमेंट को आसानी से अपने बॉडी पे पहन सकते हैं। गारमेंट हम बनाते ही इसलिए हैं कि हम उसे शरीर पे धारण कर सकें और उसको सुरक्षा दे सकें। अब इन टॉपिक्स में जो हम क्रमबद्ध लेंगे, कैसे कैसे हम इसको समझेंगे, सबसे पहला है कंटीन्यूअस बाउंड प्लैकेट, सेकंड है बाउंड एंड फेस प्लैकेट, टू पीस प्लैकेट, थर्ड है टेलर्स प्लैकेट या शर्ट स्लीव प्लैकेट, फोर्थ में है जिपर प्लैकेट, बाउंड नेक ओपनिंग, और सिक्स है आपका सेंटर फ्रंट ओपनिंग। हम इनको सीरियल वाइज समझने का कोशिश करते हैं और इनकी पहचान के लिए कुछ सैम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर फ्रंट ओपनिंग, जो हमारा सबसे नॉर्मल ओपनिंग कहलाती है। शर्ट के माध्यम से हम इसे देखते हैं। देखिए ये फ्रंट का शर्ट का फ्रंट पार्ट है, इसमें ये ओपनिंग दिखाई दे रही है। ये शर्ट को पहनने के लिए सेंटर फ्रंट ओपनिंग है। इसे इस शर्ट में इस तरह से बनाया गया है कि जिसकी मार्जिन लाइन को काट दिया गया है और एक्स्ट्रा एक पीस इसी का सेम फैब्रिक काट के इसमें अटैच करके फेसिंग के रूप में लगाया गया है।
अब जो मार्जिन था इसका आप देख रहे हैं कि 1.5 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 2 सेंटीमीटर तक ही है, जिसमें बटन और काज दोनों अपने को दिखाई दे रहे हैं। इसको एक डेकोरेटिव फिनिशिंग देने के लिए इसमें एक बाइंडिंग का इस्तेमाल किया गया। ये सेंटर फ्रंट ओपनिंग का एग्जाम्पल है, इसे आप किसी भी गारमेंट में इस तरह से पहचान सकते हैं। सेकंड है बाउंड नेक ओपनिंग। ये इस तरह से दिखाई देती है। गला यदि इतना ही होता तो हम इसको पहनने में हमें थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। इसे ओपन किया गया है और इसे एक बाइंडिंग के माध्यम से, बाउंडिंग के माध्यम से इसको फिनिश किया गया। इसके लिए लगभग आपको 1 से 1.25 इंच की लगभग पट्टी काट के इसको फिनिश किया जाता है। ये पट्टी बायस ग्रेन में काटी जाती है, बायस पट्टी के नाम से जानी जाती है। इसको आप गारमेंट में इस तरह से अप्लाई करते हैं, स्टिचिंग के माध्यम से टर्न करते हैं, फिनिश करते हैं और उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट को ऐसे हेम सीम के माध्यम से, हेम के माध्यम से इसको फिनिश करके इस तरह से इस पाइन ओपनिंग को फिनिश किया जाता है। ये बाउंड नेक ओपनिंग कहलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जीपर प्लैकेट। जीपर प्लैकेट्स अधिकतर जैकेट्स वगैरह में, स्वेटर्स वगैरह में दिखाई देती हैं अपने को, नीटेड गारमेंट्स में दिखाई देती हैं। देखिए जीपर प्लैकेट। प्लैकेट, इस प्लैकेट को बनाने के लिए जिपर को सेंटर में रखते हैं, बेसिक पार्ट ऊपर रहता है, नीचे एक एक्स्ट्रा फेसिंग काटी जाती है, उन दोनों के सेंटर में मध्य में इस जिप को रख के इसको फिनिश किया जाता है। इस तरह से ये जिपर ओपनिंग की जाती है या प्लैकेट का, जिपर प्लैकेट के नाम से इसको तैयार किया जाता है। कंटिन्यूस बाउंड प्लैकेट, जितना पार्ट आपको ओपन रखना है उसको पहले कट किया जाता है, उसके बाद उसमें कंटिन्यूस बाउंड प्लैकेट का अर्थ है कि जो पट्टी लगाई जाएगी वो बिल्कुल एक ही होगी और उसको हम दोनों साइड में उसी एक पट्टी से फिनिश करेंगे हम उसको। इस तरह से इस पर सीम लगाई जाती हैं। सीम का मार्जिन स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है और धीरे धीरे उसको कम किया जाता है। सेंटर में एक नॉचिस लगाया जाता है, उसके बाद इसको इस तरह से पलट के इस पर फिनिश कर दिया जाता है। इस तरह से ये पूरी प्लैकेट को फिनिश किया जाता है। ये पूरी प्लैकेट को इसी तरह से पूरी सीम लाइन से यहाँ तक इसको फिनिश कर देते हैं। जब नेक्स्ट, जब सेंटर इसका बनता है तब इसको जब यूँ मोड़ देखते हैं अपन इसको ऐसे मोड़ते हुए, तो ये इस तरह से दिखाई देती है। इस तरह से कंप्लीट दिखाई देती है ये, और ये पूरी इसको हम बास्टिंग करके भी अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले प्लैकेट का कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसको एक मार्किंग लाइन से शुरू करना चाहिए, ताकि हमको कितना सीम अलाउंस रखना है प्लस कितना हमको अंदर फोल्ड करना है, ये हमें क्रमबद्धता से या सीरियल वाइज करना होगा। और बास्टिंग के माध्यम से एक फाइनल स्टिचिंग देने से पहले उसे बास्टिंग से एकदम एक्यूरेट करके उसकी पोजीशन को देखना होगा। इस तरह से ये एक पार्ट अंदर जाएगा, एक ये बाहर रहेगा। इस तरह से हमें स्मूथ एकदम फिनिशिंग दिखाई देगी इसमें।
इस तरह से स्प्लेक्ट को एक ही पट्टी के माध्यम से फिनिश किया जाता है, इसलिए इसे कंटिन्यूस बाउंड ब्लैकेट कहा जाता है। इसके बाद इसके पीछे की साइड से देखिए इसको, ये इस तरह से दिखाई देती हैं पीछे। अब इस पीछे में जब सेंटर पॉइंट आता है उस पर भी हम एक टकिंग कर देते हैं इसको, इस तरह से स्टिचिंग के माध्यम से इसको एक टकिंग दे देते हैं। मैं भी इसमें ऑल पिंस लगा देता हूँ। इस तरह से देखिए, ये इस तरह से कंटिन्यूस बाउंड ब्लैकेट तैयार हो गई है। हमने इसे बास्टिंग से अभी फिनिश किया है, इसके बाद हम इसे परमानेंट स्टिच लगा देंगे। एक तरफ से इसको अंदर रखा जाएगा ओवरलैपिंग के लिए, और ओवरलैपिंग पार्ट पे इसको इस तरह से जब भी किसी भी गारमेंट पे इसको यूज़ करेंगे, बेल्ट या जिसमें भी आपको ऊपर का जो भी लगाना है, जिस तरह से भी इसको आप हर गारमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पैंट हो, सॉरी लेडीज पैंट, या फिर कुर्ता वगैरह, टॉप्स वगैरह की साइड में, ब्लाउजेज में, ये हर जगह इस ब्लैकेट को इस तरह से फिनिश किया जा सकता है। बैक से ये इस तरह से दिखाई देती है, पूरी एक ही ब्लैकेट है ये, एक ही पट्टी से द्वारा फिनिश किया गया है इसको, और इसको सेंटर बना के इसका एक डायगनल टक लगा दिया जाता है, ताकि इसकी ऐसे यूँ करने में और इस तरह की ओवरलैपिंग करने में हमें आसानी रहती है। तो देखिए कंटिन्यूस प्लाई बाउंड ब्लैकेट को। नेक्स्ट ब्लैकेट है अपनी बाउंड एंड फेस ब्लैकेट, या इसे टू पीस ब्लैकेट के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर हमें चिल्ड्रन गारमेंट्स या लेडीज गारमेंट्स में ये दिखाई देती है। इसका एक एग्जांपल है मेरे पास, इसको ब्लाउज के इसमें देख सकते हैं आप। एक पार्ट है इसमें जिसमें आई बनी हुई है, इसको हम बाउंड पार्ट बोलते हैं, पट्टी के द्वारा बनाया गया है। जितनी पट्टी की नाप लेनी है, जितना आपको इसकी चौड़ाई रखनी है, जस्ट डबल और प्लस सीम अलाउंस लेके इसको तैयार किया जाता है। बाउंड एंड फेस्ड, इधर वाले सेंटर पार्ट को पट्टी लगाई गई है इसमें, और इसको वापस टर्न कर किया गया है, और इसे फेसिंग के रूप में यहाँ लगाया गया। इस तरह से ये फेस्ड पार्ट है और ये बाउंड पार्ट है। इस कॉम्बिनेशन से इसको बाउंड एंड फेस्ड ब्लैकेट कहा जाता है। बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह में इनको बहुत अधिक यूज़ किया जाता है, लेडीज़ गारमेंट में, ब्लाउज में इसका बहुत अधिक यूज़ देखा जाता है। नेक्स्ट ब्लैकेट है अपनी टेलर ब्लैकेट एंड शर्ट ब्लैकेट। इसके दो एग्जांपल हम देखते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, ये भी दो पट्टियां हैं, बाउंड के फॉर्म में इसको इस तरह से लगाया गया है। दोनों ही बाउंड ब्लैकेट हैं, दोनों तरफ से एक्स्ट्रा पट्टी लगाई गई है, और इस तरह से इसको फिनिश किया जाता है। कुर्तों में सबसे अधिक दिखाई देती हैं, और शर्ट की स्लीव में भी इसी तरह से इसको फिनिश किया जाता है। स्लीव में और कुर्तों में, दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। इसको बनाने के लिए आप है उसके हिसाब से, आप जितनी चौड़ाई में पट्टी चाहिए, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक की पट्टी अपन इसमें ले सकते हैं, जो 2 इंच के लगभग होती है। उसको एक यहाँ बाउंड में फिनिशिंग किया जाता है, और एक इस टाइप में। अच्छा।